Very good evening, dear students. Welcome to this amazing session of confession. And of course, हर साल की बात है, इस साल भी हमारे पास 31 दिसंबर आ चुका है और हर साल हम इस सेशन को लेके आते हैं आपके सामने. 2021 से शुरुआत किया था इस लीग का हमने. जब आपके सामने मैं कन्फेशन सेशन लेके आया करता हूँ और ये हर साल 31 दिसंबर को हुआ. हालांकि हमारे पास एक परीक्षा अभी हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए एक एग्जामिनेशन अभी शेष है, वो है SBI क्लर्क. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब तक इस पूरे वर्ष में, इस वर्ष को अगर पूरा पास्ट एक बार देखा जाए तो क्या रहा, क्या आपने गलती करी या क्या आप ऐसा नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, कहां आपसे चूक हुई है, इस बात की, इन बातों को आप हमारे दिए गए गूगल फॉर्म में आपने फिल किया है और इस सेशन के जरिए हम चाहेंगे कि हम उस पर चर्चा जरूर करें. और इसीलिए ये कन्फेशन सेशन हर साल हुआ करता है. असल तो इसका रीजन यही है कि हम स्टूडेंट्स के साथ रूबरू हों, स्टूडेंट्स की गलतियों को समझें, ताकि हम भी और हमारे से तमाम टीचर्स इन कन्फेशंस के आधार पे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये कन्फेशंस स्टूडेंट बहुत ईमानदारी से रखते होंगे अपने पास हमारे गूगल फॉर्म में, और उनके आधार पे हम टीचर्स भी जब बच्चों को गाइड करने बैठे, गाइड कर रहे हो क्लास में, तो हम उन बातों का ख्याल रखें कि आप यहाँ यहाँ फिसलते हो, क्योंकि हमारे पास इनपुट है आपके जैसे स्टूडेंट्स का ही जो आपके पिछले वर्ष में तैयारी कर रहे हैं. हो सकता है उस क्लास में वो खुद ही बच्चा बैठा हो, लेकिन इन कन्फेशन से हमें बड़ी मजबूती मिलती है. हाँ यार, ठीक है, ये गलती किया आपने, गलतियां हम कर सकते हैं, हम इंसान हैं और हमारे फितरत में है मिस्टेक्स करना, गलतियां करना. लेकिन उसको कैसे सुधारा जाए, इस पे बात होगी इस सेशन में. मैं कुछ कन्फेशंस में पढ़ूंगा स्टूडेंट्स का ही, और उन स्टूडेंट का नाम भी लूंगा मैं कि स्टूडेंट इनका कन्फेशन ये है, या फिर हो सकता है अगर आपको आपत्ति हो कि आप यहाँ बता सकते हैं, सर मेरा नाम मत लीजिएगा, तो मैं शायद उन बच्चों का नाम नहीं लूँ, ठीक है ना. और ये सेशन रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड है. नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं. किसी का भी यहाँ पे कोई सेशन रिकॉर्डेड नहीं है, बिल्कुल लाइव हूँ मैं. फिलहाल 5:24 का वक्त हो रहा है, दिन रविवार है और तारीख 31 दिसंबर है, ठीक है ना. तो ऐसे कुछ बच्चों को कमेंट ऐसा नाम मत लेना सर, तो ठीक है. आवाज अटक के आ रही है, साउंड इशू. अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आवाज क्या इशू है. ठीक है, मैं आवाज के लिए कर देता हूँ अभी. आवाज की इशू आ रही है क्या YouTube पे अभी? ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज. अभी आवाज परफेक्टली आ रही है, ठीक है, आवाज कंफर्म कीजिए प्लीज एक बार. एक बार अगर हो सके तो वो माइक देखो ना, वो वाला. ठीक है, परफेक्ट, आवाज ठीक है, पेन दे देना मुझे आप. ठीक है, सो मैं कन्फेशंस पढ़ना शुरू करता हूँ. आई होप मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, एंड मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा एक बच्चे का कन्फेशन ऐसा है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए. क्योंकि आपको वो होता है कि यार मेरा नाम ले लिया सर ने, तो मैं नाम नहीं लूंगा. जिस चीज से आपको आपत्ति है मैं उस चीज में एंटर नहीं करूंगा, रिलैक्स, ठीक है. हाँ, और मैं इतना जरूर बोलूंगा आप सभी स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट इन बातों को सुनेंगे अभी फिलहाल कन्फेशंस को, वो कहीं ना कहीं उन कन्फेशंस में खुद को देख पा रहे होंगे. अगर आप देखेंगे तो उनके समाधान पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनको जरूर ध्यान से देखिएगा आप कि क्या कन्फेशंस हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं. मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट का कन्फेशन पढ़ रहा हूँ. इनका कहना है, हेलो सर, XYZ हियर, नाम नहीं लूंगा मैं बच्चे का. एंड उनका कहना है कि सर पहली बात तो मेरा नाम XYZ है और सबको स्पैम क्यों लगता है, स्पैम पता नहीं, ठीक है जो भी है. सर मैंने आपका वर्चुअल बैच से पढ़ना स्टार्ट करा था, बट बीच में हेल्थ इश्यूज के कारण जुलाई अगस्त के महीने में ब्रेक लिया था और फिर फॉर्म फिल कर दिया था, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं RRB के,
उनका फॉर्म फिल कर दिया था, ठीक है। एंड उनका पॉइंट ये भी है, वन सेक, और एसबीआई पीयू नहीं दिया था मैंने। सर आप हमेशा बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, 2023 में तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई, 24 में बस कंसिस्टेंट रहेंगे और जल्द ही चैंपियंस की टोली में आएंगे, हैप्पी न्यू ईयर सर। ये है सबसे पहला कन्फेशन। तो पहला कन्फेशन ही कंसिस्टेंसी के बारे में है, और मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आप सभी को, ज्यादातर विद्यार्थी अपने प्रिपरेशन जर्नी में, मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर, कि जितनी भी चर्चाएं होंगी बहुत ऑर्गेनिक चर्चाएं होंगी, और इस बात का मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा कि वो बातें लगभग लोगों को लाभदायी हों, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे, जो भी बच्चे हमारे पास प्रिपरेशन में, जर्नी में हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी बच्चे को हम एवरेज स्टूडेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं। हम मानते हैं कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है ना। अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो आप हों या आपके साथ आपका दोस्त हो या कोई और भी आप जानते हैं क्लास में देखने वाला जो स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को आप देखिए, तो आप ये समझिएगा कि सर हर एक स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट, और इन्हीं एवरेज स्टूडेंट में सिलेक्शन भी हुआ करता है। इन सिलेक्शंस के आड़े अगर कुछ आता है तो वो है इनकंसिस्टेंसी, मतलब वो कंसिस्टेंसी को लैक कर रहे हो। अब जो पहला मैंने यहाँ पढ़ा है एक्स वाई जेड स्टूडेंट का, जो मैंने अभी कन्फेशन पढ़ा, उनका कहना था कि सर मेरा कुछ मेडिकल इश्यूज के वजह से मैंने जुलाई और अगस्त के महीने में, अब आपको भी पता है कि जुलाई और अगस्त का महीना कितना प्रोमिनेंट मंथ होता है हम सभी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट है उनके लिए जुलाई अगस्त का महीना कितना प्रोमिनेंट होता है। चलिए हेल्थ इश्यूज आ गए, लेकिन वहां से बाउंस बैक करना कितना जरूरी है। मे बी आप वहां से फिर से ठीक है यार अब तो गड़बड़ हो ही गया, ऐसा नहीं मानना है प्लीज। तो इस सिचुएशन में समाधान क्या है, सबसे पहली बात कि जितने ही बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन को आप ना दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक होता है चलो जनवरी का महीना आ रहा है, तो जनवरी से लेके हम जून तक के महीने की बात करते हैं, ये एक ऐसा महीना है जिसको आप ट्रीट करें हमेशा प्रिपरेशन के लिए, ये प्रिपरेशन वाला महीना है। कौन सा महीना? जनवरी से जून का। और इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, जैसे कि जब एक बंदा जॉब कर रहा होता है ना, तो वो या कहीं भी काम करता है, कोई बिजनेस करता है, अपने आपके आस पड़ोस में भी कोई बिजनेसमैन होंगे ना, कोई बिजनेस करते हो, चाहे दुकान लगाते हो चाहे जनरल स्टोर हो उनका, आप एक बात गौर करते होंगे, अगर उसका दुकान चलता होता है ना, या फिर अगर वो मेहनती देखते हो कि यार वो कंसिस्टेंट इंसान है, बहुत कंसिस्टेंट होता है वो, तबीयत थोड़ी बहुत खराब है फिर भी वो दुकान पे जा रहा हो, किसी के फैमिली में भी ऐसा होता होगा, और अपने अपना बहुत ख्याल भी रखता है, चूंकि वो उसे पता है कि अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका इम्पैक्ट उसके बिजनेस पे पड़ेगा। जैसे बीइंग अ टीचर, लिटरली बता रहा हूँ मैं, हम सभी ख्याल रखते हैं इसका, मतलब मैं तो बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। गर्मी के मौसम में मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, मतलब मेरे फ्रिज में पानी नहीं होता है बॉटल्ड वाटर, और होता भी है तो मैं नहीं पीता, बाकी फैमिली मेंबर पी लें, मैं नहीं पीता हूँ। एक छोटी सी बात है कि भाई ठंडा पानी पिया तो डेली तो नहीं असर करता है, कभी होता असर कर जाए, उसके वजह से मेरा खराब हो गया, 3 दिन मेरा खराब हो गया मान लो, क्योंकि लगभग लगभग वायरल जो होता है 3 दिन लगता है उसमें, इतना ख्याल हम रखते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है कि जब जनवरी से आपको जून का महीना मालूम है कि प्रिपरेशन जर्नी है ये वाला, और उसके बाद जुलाई से लेके आपका जो दिसंबर तक का वक्त होता है, इसको हमेशा ट्रीट किया कीजिए अपना रिएक्शन का महीना। इसका महीना रिएक्शन का महीना, ये सभी से कहना है। अगर आप मेरे को थोड़ा भी अगर सही मानते हो ना, तो इस बात को प्लीज एक्सेप्ट कर लेना, ये टाइम है प्रिपरेशन का, ये टाइम है रिएक्शन का, और इस पूरे इस फेज में ना आपको एक जीवन का पूरा एक साल में से, मतलब पूरे जीवन में से एक साल समर्पित कर देता है कोई स्टूडेंट, अगर जो डिसिप्लिन वे में हम पढ़ाई करा रहे होते हैं, जिस तरह से बैचेस लेके चल रहे होते हैं, जो डेडिकेटेड स्टडी चल रही होती हैं, उनमें अगर शामिल होकर बच्चा कर रहा होता है, तो हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो बच्चा खुद फील कर पाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन था बच्चे का, वो क्या था कि मेडिकल इशू आया, तो मैं बाकी बच्चों को भी कहूँ और उन बच्चों को भी, उस बच्चे को भी मैं कह रहा हूँ कि प्लीज आप सभी लोग थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखें, कोई इरेस्पॉन्सिबल चीजें ना रखें करें आप लाइफ में, और ना ही आप किसी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हों जिससे कि आप पे इफेक्ट आ जाए, कोई और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व ना हो, ये सलाह मेरा होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम आराम से आउटकम तक पहुंच जाएंगे, जो हमारा आउटकम निकालने का प्लान है हम सभी का, ठीक है ना। मैं सेकेंड कन्फेशन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड कन्फेशन इज आई स्टार्टेड, एक्स वाई जेड स्टूडेंट है, इनका नाम नहीं लूंगा फिर से मैं, इनका कन्फेशन है, आई स्टार्टेड माई बैंकिंग जर्नी इन 2023। To be very honest, in the beginning I was honest. बहुत ध्यान सुनिएगा एक बात, ये सब आप पे लागू होती है सारी लाइन। In the beginning, I was very honest with my studies and class schedule. But day by day,
आई बिकेम लेजी विथ माई स्टडीज, लेजी विथ माई कमिटमेंट एंड माई रेगुलरिटीज एंड पंक्चुअलिटी एज वेल विद द लेक्चर्स, गॉट फेडेड अवे, मतलब वो धीरे धीरे धूमिल होना हो गया उनका इंटरेस्ट उसमें. आई एम एम बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, उनका ये भी पॉइंट है. आई यूज टू हैव अ गुड जॉब एंड सैलरी, बट ड्यू टू सर्टन इंसिडेंट्स इन माई पर्सनल लाइफ आई क्विट एंड प्लान टू स्टार्ट माई एस्पिरेंट जर्नी, बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर आई रियलाइज दैट आई डोंट हैव अ जॉब एंड आई एम नॉट ऑल्सो गुड स्टूडेंट. उनको रियलाइज हुआ कि भाई साहब मैं तो अब अच्छा स्टूडेंट भी नहीं रहा. उन्होंने जॉब कर रहे थे, वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, इंडिया के अच्छे यूनिवर्सिटी, उन्होंने एम बी ए किया और एम बी ए करने के बाद वो जॉब कर रहे थे, अच्छी सैलरी भी थी उनकी. उन्होंने जॉब छोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, और फिर उन्होंने प्लान किया कोई एक बैंकिंग प्रिपरेशन में आएंगे. बट उनको साल के अंत में मालूम चला या रियलाइज किया उन्होंने कि यार ये तो मतलब मैं एज ए स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, उनके पास जॉब भी नहीं है, मतलब जॉब का प्रेशर उनके प्रिपरेशन पे आने लगा. आई होप दिस इज द पॉइंट. माई पॉकेट एंड माई हैंड्स बोथ आर एम्प्टी एंड आई एम 24, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल living with my parents, but still I'm not lost yet. I think I'll bounce back harder and I'll achieve my dreams in 2024. Yes, this is my confession. Thank you so much, Saurav sir. You really been a symbol of hope for me. Thank you so much. चलो ठीक है. अब इस पूरे जिनका जो जर्नी जो काफी पढ़ा आपने, काफी बड़ा चिट्ठी था इनका, इनका चिट्ठी पढ़ने के बाद ये रियलाइज हुआ कि ऐसा भी होता है, मतलब ऑफ कोर्स होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट का ये ख्वाब होता है कि चलो यार ठीक है मैं जॉब कर रहा था, कई बार किसी और पर्सनल रीजन से, कई बार किसी रैंडम रीजन से कि यार मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे इतना गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मैं बैंकिंग प्रिपरेशन करना शुरू करता हूँ. बहुत ही क्रिस्प सिलेबस है, बहुत ही टू द पॉइंट सिलेबस है और मैं सुना है कि मैं इसको जल्दी से कर सकता हूँ कवर. अब जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए खास मेरा सलाह होगा यहाँ पर, या आप जब भी अगर जॉब में हो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है, आज लाइव नहीं देखे, आप कल को एक महीने बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, आप सभी को एक छोटा सा सलाह होगा कि भाई साहब अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन जर्नी में जंप कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपसे एक बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने जॉब से, अपनी सैलरी से थोड़ा सा सेविंग रख लीजिएगा, ताकि एक ये बहुत नॉर्मल जेन्युइन रीजन, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, अपने पापा से पूछिएगा, मम्मी से पूछिएगा, जो लोग जॉब करते हैं, कि अगर उन्होंने जॉब कर रहे हैं, कोई भी इंसान, कोई भी जिसके पास इनकम आ रहा है, एक स्रोत है पैसा आने का, और बंद हो जाए ना, इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है. ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं से भी, मतलब जॉब करने के बाद आप जॉब कर रहे हैं उसको बंद करके, उसको क्विट करके आप अगर प्रिपरेशन में आना चाह रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ी सेविंग्स यहाँ कर लें, थोड़ी सेविंग्स रखें अपने पास, ताकि आपको एक प्रेशर फील ना हो. बहुत ही प्लान्ड मैनर में चलना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा ह्यूमन नेचर है, बहुत ही क्लियर ह्यूमन नेचर है कि आप अगर आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे अकाउंट में, आपके पास आदत लगी हुई है, 2-3 साल से आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक इनकम का स्रोत है, 50,000-60,000 महीने आ रहे हैं, या 40,000 महीने आ रहे हैं, 30,000 महीने आ रहे हैं, 20,000 महीने आ रहे हैं, कुछ भी अगर इनकम का स्रोत रेगुलर है, तो ये कंफर्म है कि अगर आप वहां पे बंद करेंगे और सेविंग्स भी नहीं है आपके पास, तो आप फ्रस्ट्रेशन आएगी आपके पास और आप क्लियर माइंड से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और आउटकम क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं, या फिर और एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में और दिल में आएगा, जहन में आएगा. आई होप पीपल आर गेटिंग द आइडिया. ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी. ठीक है, तो बस मेरा इसमें इनपुट इतना ही है और बड़ा इनपुट नहीं है, कुछ भी बहुत सिंपल सा इनपुट है. एक स्टूडेंट है लगातार स्पैम कर रहे हैं, प्लीज स्पैम बंद कर दो यार, प्लीज. इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर मी, माय बैक एंड टीम, प्लीज इनको बंद कीजिए, हटाइए इनको. आई नीड कॉन्सेंट्रेशन इन दिस टाइप ऑफ सेशन यार, प्लीज. इट्स अ वेरी सीरियस डिस्कशन. विनोद ओपी, प्लीज बंद कीजिए यार स्पैम. ठीक है, ओके. So this was the second confession जो मेरे पास आया है, and I'll suggest the student to please listen to my words. Already अभी आपके पास ठीक है, आप तो जॉब क्विट कर चुके हैं, अब आपके लिए स्पेसिफिक आपके लिए क्या मेरा सुझाव होगा. अगर आपका प्रहार प्रबल है यार, एक अगर यहाँ पे या तो लॉग इन कर दो, या तो ये जो खुद मॉडरेट कर लो इसको, ये लगातार स्पैम कर रहा है लड़का. ठीक है, क्लियर है बात.
तो या तो आप ये कर लो कि भाई ध्यान से उन चीजों को, या तो बहुत ही प्रबल प्रहार हो आपकी तरफ से कि हाँ यार ठीक है, मुझे अभी अगले 6 महीने कुछ ना कुछ आउटकम आपने 2023 में निकाला होगा, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। आपकी उम्र सिर्फ 24 है, तो आपके पास करने को लाइफ में बहुत कुछ है, यू कैन डू अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ। द पॉइंट इज कि आप प्लीज अपने आप को लेकर डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को कभी भी कमजोर मत फील कीजिए प्लीज, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आपके पास सिर्फ अभी 24 साल की उम्र है, आप 25 साल की उम्र में शायद अपनी जॉब ले चुके होंगे, लेकिन 1 साल का अगर सपोर्ट ले सकते हैं फिलहाल पेरेंट्स से, तो आई थिंक उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आपके पेरेंट्स से आप सपोर्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम सपोर्ट लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, और भी आपको अगर वहाँ पे लगता है मैं मुझे नहीं लेना है सपोर्ट पेरेंट्स का, तो आप यहाँ पे होम ट्यूशन को प्रेफर कर सकते हैं, बट लालच के लिए मत कीजिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम इनपुट्स। 3 घंटे का आप, 2 से 3 घंटे का आप होम ट्यूशन ले सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर्स मत ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज आप फिर वहाँ पे मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब तो बहुत सारे क्लास, तो होम ट्यूशन विल बी द बेस्ट थिंग। और कोशिश कीजिएगा बेसिक मैथमेटिक्स जहाँ पे कुछ पढ़ा सकते हैं उसमें पढ़ाइए, तो आपका कैलकुलेशन भी मजबूत होगा और पैसिवली, मतलब पैसे भी आ रहे होंगे और पैसिवली आपको भी हेल्प मिल रहा होगा। दिस विल बी द पॉइंट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो दिस वॉज द सजेशन फ्रॉम माई साइड फॉर दिस स्टूडेंट जिनका मैंने अभी कन्फेशन पढ़ा है। आई विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कन्फेशन। नेक्स्ट कन्फेशन हमारे पास है, एक स्टूडेंट है, इनका नाम मैं फिर से नहीं लूंगा, इनका कन्फेशन बहुत क्लियर सा है कि सर इन द मंथ ऑफ मे आई हैड लेफ्ट माय होम फॉर स्टडी एंड लिविंग इन इंदौर, ये इंदौर में रहते हैं, एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन जून बट आई वाज नॉट स्टडिंग कंसिस्टेंटली। आफ्टर 1 मंथ डॉक्टर टोल्ड मी फॉर द बेड रेस्ट बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। I'm not recovered yet, but in 2024 I promise to you I'm going to be selected. Please, मेरा confession, मुझे लगेगा कि मेरी मन की बात आपने बोल दी, मतलब please मेरा confession आप include कीजिएगा, ये इनका point, कोई issue नहीं, ठीक है। हाँ चलेगा, मैं कह रहा था यार कि इस बच्चे को यहाँ से हटाओ। Yes, इतना इतना right थोड़ी है किसी के पास, जब बच्चे जिम्मेदार नहीं हो तो हमें ब्लॉक करना पड़ेगा बच्चे को, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। चलिए इन बच्चे का मैं, अच्छा एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मे बी मैं सही ना हूँ, लेकिन मैं एक बात समझाता हूँ मैं, क्या आपने डिप्रेशन जैसा कोई शब्द अपने पेरेंट्स से सुना है क्या? मतलब इन द सेंस नॉर्मली अगर हम अपने जनरेशन पीछे चलते हैं तो क्या हमने डिप्रेशन वर्ड को बहुत ज़्यादा सुना है क्या? मैं इस बात को बार बार नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये वर्ड रहना चाहिए स्क्रीन पे हमेशा। क्या आपने सुना है क्या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चलता हो, लेकिन अगर हम अपने जनरेशन थोड़ा पीछे चले जाएं अपने दादाजी को लोग के पास या फिर ऐसा, मेरा इसमें एक बहुत बड़ा इनपुट है, डिप्रेशन हमारे डर के वजह से हावी होता है हम पे, डिप्रेशन हमारे डर के वजह से हावी होता है। प्लीज़ इस डर को बाहर निकालिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, ये मत सोचिए प्लीज। अगर आप सच में इस सेशन को से जुड़े हुए हैं तो इसका लाभ उठाइए, मैं सारी बातें ऐसे बोलूंगा जिससे आपका सच में फायदा हो, ठीक है ना। तो मेरा पॉइंट ये है, डिप्रेशन से दूर हटने का तरीका क्या है, आउटकम्स देखना, आउटकम्स देखना। और मुझे लगता है जो ये मैं पॉइंट पढ़ा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं और उस प्रेशर में डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सो कॉल्ड डिप्रेशन जिसपे चर्चाएं चलती हैं आजकल, वो सो कॉल्ड डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज उनको डर है, डर इज डिप्रेशन, एक्चुअली डर के वजह से डिप्रेशन पैदा हो रहा है। तो सबसे पहली बात, डर से कुछ हासिल तो नहीं कर सकते हम लोग, और जब डर से हम हासिल नहीं कर सकते हैं पॉजिटिव चीजें कुछ, तो हम क्या हासिल कर लेते हैं, डिप्रेशन। प्लीज डू नॉट बी इन द एरिया ऑफ डिप्रेशन, प्लीज। सबसे पहली बात तो ये, इससे कैसे हम बाहर निकलेंगे, आपको मैंने हजारों बार ये बातें क्लासेस के जरिए भी डिस्कस किया हूँ, हमेशा डिस्कस करता हूँ कि यार देखो अगर हम आउटकम्स देखेंगे, जैसे बच्चे कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, इसका भी सवाल का जवाब यही है, आउटकम। ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी का ब्रेक होना, डिप्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन में इंसान तब जाता है जब उसे समाधान नहीं दिख रहा होता है। और मैं तमाम स्टूडेंट से एक बहुत सिंपल सा गुजारिश करूंगा, प्लीज स्टार्ट ऑब्जर्विंग द आउटकम्स। और ये आउटकम्स कैसे देखोगे आप? आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप जब पढ़ने बैठते हो ना, जब आप पढ़ने बैठते हो
तो आपको लगता है कि एक बार में ही बहुत कुछ पढ़ लें, कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, जिस दिन भी आप सीरियसली बैठते हो तो ऐसा ही होता है ना। तो प्लीज ऐसा कुछ स्टेप नहीं है, क्योंकि आज का जमाना ऑनलाइन है और किसी के पास भी जीमेल अकाउंट होता है और किसी के पास भी उसमें से यूट्यूब पे जाके कुछ भी बोलने का अधिकार हो चुका है। बात समझिएगा ध्यान से। उससे तकलीफ क्या होती है कि वो कुछ भी बता देते हैं बच्चे को, शॉर्टकट वॉर्टकट ऐसे वैसे, ये सब ऐसे हो जाएगा, 2 महीने में ऐसे बन जाओ। देयर इज नो रूल लाइक दैट। प्लीज अगर कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट है जो शिद्दत से चाहता है कि मुझे सच में जॉब लेना है, तो डू नॉट वॉच दैट टाइप ऑफ वीडियोज जिसमें बताया गया हो कि हाउ टू क्रैक फलाना एग्जामिनेशन इन 2 वीक और 2 मंथ, है ना, और 3 मंथ, ऐसे कुछ बोल दिया गया हो कि कैसे 3 महीने में निकाल दें एग्जाम। नहीं हो सकता वो चीज, ये फैक्ट मान लीजिए। अगर किसी भी सक्सेस स्टोरी में आपने सुन लिया, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो, मैंने फलाना इतने ही समय में निकाल दिया, तो उसमें हो सकता है उस बच्चे ने थोड़ा मिलावट किया बताने में, या फिर अगर वो सही बता रहा है तो उसका बैकग्राउंड भी मैटर करता है। तो इन सब चीजों को लेके ना प्रभावित मत हो जाइए बहुत ज्यादा। एक जनरल, मैंने शुरुआत में एक वर्ड लिखा था कि मैं हर एक स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट ट्रीट करता हूँ और उसके हिसाब से मैं बातें बता रहा होता हूँ, सारे सजेशंस मैं उस हिसाब से दे रहा होता हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। तो मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आउटकम अगर कोई भी बच्चा देख रहा होगा तो वो सेलेक्ट होगा और करता चला जाएगा, वो कंसिस्टेंट भी रहेगा, सब कुछ कर रहा होगा। हाउ टू गेट दिस आउटकम, आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए क्या करें, अपने स्टडीज में शुरुआत जब कर रहे हो, या मानो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आप तुरंत से अपने गोल को ना ऐसे मत देखिए कि मैं स्टार्ट किया यहां पहुंच गया। नहीं, नहीं हो सकता ये। आपको क्या मजाक लग रहा होता है क्या? मतलब जिस चीज के पीछे दुनिया पागल है कि मुझे एक सिक्योर लाइफ मिल जाए, सिक्योर लाइफ, एक्चुअली जॉब इज नथिंग लाइक, जॉब का मेन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और जॉब पाना चाह रहे हैं। जॉब क्यों पाना चाह रहे हैं? ताकि एक सिक्योर लाइफ हो, एटलीस्ट फाइनेंशियल आधार पे हमें किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े, या फिर हाथ ना फैलाना पड़े, या फिर हमें कोई समस्या ना हो कि यार मैं क्या करूं, या हम कोई सवाल लेकर ना पहुंच जाए कि अब हम क्या करें, 25 मेरा उम्र जो हो गया 32 साल हो गया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, बिजनेस कर लो, तो ऐसा ना करना पड़े। इसलिए तो इस चीज को आप हल्के में ले लेते हैं कि कुछ भी करने से शॉर्टकट से हो जाएगा। एटलीस्ट मेरी इस बात को सुनकर अगर 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 500 बच्चे भी अगर समझ जाए कि देयर इज नो शॉर्टकट, मैं समझूंगा ये सेशन जो है हमारा ये बिल्कुल सही है, जस्टिस हो गया हमारे सेशन का। तो प्लीज देयर इज नथिंग लाइक, आप यहाँ शुरुआत कर रहे हैं तो समझिए कि ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा, कभी अच्छा करेंगे कभी बुरा करेंगे, फिर ऐसे चल रहा हो, फिर कभी अच्छा किया कभी बुरा कर दिएंगे आप, ये ऐसे ही चल रहा होगा और फिर पहुंचेंगे आप गोल तक, ये ध्यान रखिएगा। तो आउटकम्स कैसे मिलेंगे आपको, हाउ टू गेट द आउटकम्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आउटकम तक पहुंचने के लिए, और आउटकम मिलेगा तो आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे और डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, अपने ऊपर मजबूती रहेगी, पोटेंशियल पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो आउटकम निकालने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। द पॉइंट इज आप अपने सिलेबस को ना सेगमेंट में तोड़ दीजिए। जैसे आपको मालूम है कि रीजनिंग में 11 चैप्टर है, मालूम है कि मैथ्स में 3 पार्ट हैं, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और DI। मैं बार बार कहता हूँ कि ऑनलाइन स्टडीज में बहुत अच्छी सुविधा है, ऑफलाइन में तो क्या है कि मान लो 4 महीने 5 महीने कोई पे बैच ज्वाइन किया आपने, अगर वो 4-5 महीने की क्लास गुजर गई और उस क्लास के साथ आप नहीं चल पाए तो फिर गए आप, और फीस भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये ऑनलाइन जब से आया है ना, इसका अगर जो बच्चा सच में इसका सदुपयोग करना जानता हो, गजब का सदुपयोग कर लेगा। आपको सबसे पहले एक काम करना होता है कि आपको अपने टीचर ढूंढ लेना पड़ता है, मैथ्स से पढ़ूंगा मैं, रीजनिंग से पढ़ूंगा, और इंग्लिश इनसे पढ़ूंगा मैं, GN से पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे करके 4 से 2.5 पास हैं, और कंप्यूटर भी भाई इनसे पढ़ूंगा। तो सेगमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। किस चीज में? आपके स्टेप प्लानिंग में, पढ़ाई में। जैसे मैं अपने, मेरा एक बैच आया करता है हर साल चैंपियन, इस साल भी चैंपियन बैच आया है मेरा, अभी चैंपियन 2.2 मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और अभी आने वाले जनवरी महीने में भी चैंपियन बैच लेके आऊंगा फिर से। मेरा ये कहना होता है स्टूडेंट से कि प्लीज भाई साहब आप मेरे स्टडी प्लान को देख लीजिए, मैंने 5 महीने में अपना 11 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब सोचिए मैं कितना तोड़ दिया हूँ। और मैं चैंपियन बैच के स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि अगर आपका जो भी सपना है ना, कुछ मत करो कि क्या होगा, मैं कितना पढ़ूंगा, कुछ मत पढ़ो, आज का डेट क्या है तो आज का जो भी डेट है, चलो उस डेट में क्या टॉपिक लिखा हुआ है, तो ये टॉपिक फलाना टॉपिक लिखा हुआ है, कुछ मत सोचो क्या कर रहे हो। रीजनिंग के लिए अगर उस दिन कुछ काम करना है ना, तो बस ये टॉपिक हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, उसका टेस्ट लगाइए, ईबुक से सॉल्व कर लीजिए, किताबों में सॉल्व कर लीजिए, उतना ही टास्क है आपका, खत्म। और एक दिन में कितना पढ़ाते हैं हम? एक सेगमेंट पढ़ाया, एक वैरायटी ऑफ, दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ाया, क्या उस एक दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप? आपको सिर्फ वहीं पे आउटकम देखना है। बस ये ध्यान रखिए कि लोड लेके पढ़ाई नहीं हो सकती आपको, नहीं ये अगर कोई कहता है आपसे ना कि मैं 14 घंटे पढ़ना पड़ते हैं, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, गलत बात है। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली अब 10 घंटे 12 घंटे मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्स है ये, क्लासेस के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सेल्फ स्टडी के नाम पे अगर कोई बच्चा अगर 6 घंटे डेली बैठ जाता है ना,
वो आतंक मचा देगा भाई साहब, वो क्रांतिकारी इंसान निकल के आएगा, वो गजब मचाएगा। कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, 6 घंटे अभी से मान लो 6 घंटे तुम इस पूरे साल दे दोगे, फिर तुम मुझसे भी पूछने नहीं आओगे सर अब क्या करें, क्योंकि आपको मैंने इनपुट दे दिया, ठीक है ना। तो सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, सेगमेंटेशन के लिए हम आपका सबसे पहले सपोर्ट करते हैं, हमारे बैच का स्टडी प्लान होता है, अड्डा एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे आप, अभी जाके आज ही चेक कीजिएगा जो बच्चे नहीं जानते हैं, चैंपियंस 2.2 का आपको स्टडी प्लान नजर आएगा। देखिए कैसे तोड़ दिया गया पूरे सिलेबस को, मैंने अभी 25 दिसंबर से स्टार्ट किया बैच को, और ये बैच कब तक चलेगा भाई, तो मई के महीने तक चलेगा। अब बस मसला क्या है कि हमने क्यों मई तक सोचा, हमने तो हमें तो यही पता है बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, फिर भी हमने मई तक का प्लानिंग क्यों किया, क्योंकि हम चाहते तो भाई इस बैच को स्टार्ट करके हम 25 दिसंबर से और हम फरवरी में खत्म कर देते, और आपको भी समझ में नहीं आता है खत्म हो गया, आपको भी फील होगा खत्म तो हो चुका है, लेकिन अगर मैंने इस बैच को प्लान करके मई तक लेके गया हूं, तो मुझे भी ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कंसिस्टेंट चलें, और इस सेशन से भी हम चाहेंगे कि जो बच्चे सुन रहे हैं समझिए कंसिस्टेंट कैसे चलना होता है। आप अगर टूटा फूटा कुर करके कुछ भी करके परीक्षा हॉल में जाओगे ना, तो उसका आउटकम निकल के नहीं आएगा, ये समझिए परिश्रम करना ही पड़ता है, चाहे वो 1520 ईस्वी थी या ये 2024 की ईस्वी हो, मतलब 2024 का वर्ष हो, या फिर 2050 का वर्ष हो, या 2096 वर्ष हो, मेहनत हमेशा करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक पढ़ाई में ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, पढ़ाई मतलब ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता। तो सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, आप सेगमेंटेशन करें, पढ़ाई में आउटकम्स देखें, आप कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें कि यार कुछ गड़बड़ ना हो, उल्टा पुल्टा ना करें, डिसिप्लिन लाइफ जिए, दैट इज अ थिंग, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट कन्फेशन में पढ़ने जा रहा हूँ। आई थिंक आपका ये जो पॉइंट था, इनका नाम मैं नहीं लूंगा, जो भी नाम था आपका, मैं नाम नहीं लूंगा, एक्स वाई जेड नाम तो पढ़ पा रहा हूँ, नाम लूंगा नहीं मैं आपका, ठीक है ना। आई होप आपका वेरी सॉल्व हो गया होगा, मतलब हमेशा सेगमेंटेशन करके पढ़ाई करें, एक साथ में बहुत सारा चीज ना लें। नेक्स्ट कन्फेशन आई विल रीड हियर, आई वॉन्ट टू शेयर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई पास्ट, मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, आई वॉन्ट टू शेयर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई पास्ट दैट हैज बीन अ सोर्स ऑफ रिग्रेट फॉर मी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। My initial goal was to prepare for bank examination. Unfortunately, I got involved in a toxic relationship that consumed 3 years of my life. Looking back, I realized I made my poor decision during that time, neglecting my studies and aspirations. The relationship ended in betrayal, leaving me in a state of depression. However, I eventually found the strength to pick myself up. I sought motivation and support, and now I have enrolled in the classes and have developed a steady schedule. I am feeling confident now that I can overcome the setbacks of the past and successfully crack the bank examination. I understand the importance of learning from mistakes, and I am committed to making most of this opportunity. बहुत ही क्लियर है, मैं जानबूझ के इसको भी पढ़ा हूँ, क्योंकि फोर्स ऐसे सिचुएशन भी आएंगे, और बीइंग अ टीचर मेरा काम है आपको बताना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मुझे एक बड़े भाई के तौर पे ट्रीट करते हो, एक टीचर होने के साथ साथ आपने मुझे अगर उस तरह से देखा है कभी, या कभी भी रियलाइज किया कि ये बंदा आपको एक बड़े भाई के तौर पर समझाता है चीज़ों को, तो मैं जानबूझ के ये पढ़ा हूँ कन्फेशन, क्योंकि इस तरह का भी चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ आती होंगी। एक बात आपको ध्यान से बताता हूँ, लाइफ में आपका जो प्राइम काम है, बहुत प्राइम काम, और किसी भी यूथ के लिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ये जो एज होता है, ये वाला आपका जो एज है, इसमें ये चीजें होना लाजमी है। यू गॉट अटैच्ड विद समवन, यू गॉट यू वेंट इनटू अ रिलेशनशिप, सब कुछ ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आपके प्राइम काम में, जो आपका रियल ऑर्गेनिक जो काम है कि भाई ये तो करना ही, दिस इज द मिनिमम वर्क यू नीड टू डू फॉर योर लाइफ, क्योंकि आपके लाइफ के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो आप, उसमें अगर कोई चीज आड़े आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको रहना चाहिए फिर, या फिर उसमें उतना ज्यादा सीरियस होना चाहिए जितना कि जिससे कि आपका इफेक्ट पड़ जाए। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, लेकिन इसने लिखा है बहुत अच्छे से बाद में कि सर मुझे फील हुआ कि मैं इसमें से कम बैक कर लूंगा, और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये ट्रस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन नेगेटिव थिंग आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप और दैट ड्यूरेशन वॉज ही रोट हेयर अबाउट द 3 years ऑफ माई लाइफ, लाइक सर मेरा 3 साल वहां बर्बाद हुआ लाइफ को, ही रियलाइज दैट थिंग कि 3 साल बर्बाद हुआ। अब सोचिए, एक छोटा सा आपको ये बताता हूँ एग्जांपल, कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे लगता है कि अगर वो उसका जो मेन काम है, जो उसका मेन मोटिव है, मेन काम है, अगर वो अगर उसमें पीछे हट रहा है या फिर पीछे हो जा रहा है, तो उससे बुरा उसके लिए कुछ नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअली किसी भी पर्सन की जब वाहवाही होती है ना, उस वाहवाही से खुशी और कहीं नहीं मिलती लाइफ में।
आप फील करते होंगे बचपन से, कभी भी आपको कभी भी लाइफ में कभी ना कहीं किसी न किसी चीज में, एक अच्छी चीजों में कहीं वाहवाही मिली हो अगर, तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता है, ये फैक्ट मानते हैं आप। नो डाउट रिलेशंस, फैमिली, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो फिर क्या मतलब इस चीज का, ठीक है ना। सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, अगर वह मिल रहा है तो फिर वो ओरिजिनल चीजें हैं, नहीं मिल रहा है तो फिर ओरिजिनल नहीं है वो चीजें। व्हाट इज माय सजेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर फीलिंग लाइक दैट, कहीं मान लो किसी और के साथ भी ये सिचुएशन चल रहा हो, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपने प्राइम काम पे ध्यान दें। और 3 साल जैसे इन्होंने लैक किया, तो मैं 3 साल का नुकसान बताता हूँ कितना इस बच्चे का। मान लो ये बच्चा जिन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही मैं बैंकर बनना चाहता था, अब मान लो अब ये जॉब, ये 25 में जिनको जॉब मिलेगी, मान लेते हैं ये इनको 2025 में जॉब मिलती है, इनको जॉब मिल गई होती 2022 में, लेट्स सपोज ये 3 साल का जो नेगेटिव हुआ है, इससे नुकसान कितना हुआ इनका, मैं एक पैसे की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली दुनिया आपसे ये नहीं पूछती क्या करते हो एक समय के बाद, जब आप ग्रेजुएशन में होते हो, जब ये 12th में होते हो, तो आपसे दुनिया पूछती है और बताओ क्या प्लान है तुम्हारे लाइफ को लेके, 10th में होते हो तो बताओ साइंस लोगे या आर्ट्स लोगे, 12th में होते हो तो बताओ क्या करने वाले हो ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन किस चीज से करने वाले हो, बीटेक, एमटेक, बीटेक, बीई, व्हाटएवर, मतलब बीकॉम करने वाले हो या फिर आप साइंस से ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होने वाले हो, क्या प्लानिंग है आपका, ये पूछती दुनिया। लेकिन अगर ग्रेजुएट हो जाते हो और फिर अपना रास्ता खुद जो भी पकड़ लेते हो, फिर दुनिया पूछती है आपसे, मतलब मान लो आप 22 की उम्र में ग्रेजुएट हो गए, व्हाटएवर, आपसे 25 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में सिर्फ ये पूछती है दुनिया कि भाई पैसा कितने कमाते हो। अल्टीमेटली ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि रास्ता कुछ भी चूज करना है इसके लिए, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इस 3 साल का नुकसान बताता हूँ कितना है। एक पीयू की सैलरी आज के जमाने में लगभग लगभग स्टार्टिंग सैलरी जो है 50-60 के आसपास, 50-60 मान लेते हैं, 50,000 मान लेते हैं, 12-25-60, 1 साल का 6 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट जोड़ लीजिएगा उसका कुछ ना कुछ, अगले साल उसका इंक्रीमेंट भी हो चुका होगा, उसके अगले साल और इंक्रीमेंट हो चुका होगा, पोजीशन भी बढ़ चुका होगा, हम ओवरऑल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 6-18 हम 25 लाख का नुकसान लिख रहे हैं, कितना, 25 लाख 3 इयर्स, कितना, 25 लाख का नुकसान कर दिया आपने, पाया क्या, बिट्रेयल। तो सबसे करीब जो इंसान के होता है, जो कभी नहीं खो सकता है, वो होता है उस इंसान का आत्मविश्वास, उस इंसान के पास जो स्किल्स हैं, उस इंसान के पास खुद की बनाई हुई चीजें हैं, उससे ईमानदार कुछ नहीं होता है, उससे प्रोमिनेंट कुछ नहीं होता है। तो इस 3 साल का 25 लाख रुपए में लिखा है, आप समझ लीजिए क्या सिस्टम है, कहां कहां पहुंच गए, ठीक है। तो ये 25 लाख का नुकसान कौन भरेगा, कोई नहीं भरेगा, कुछ कोई नहीं भर सकता, ये आपको बस अब है, चलो 25,000 का नुकसान हो गया। तो टाइम कितना बोलते हैं, टाइम इज मनी क्यों बोलते हैं लोग, इसीलिए बोलते हैं, आप जोड़िए ना, अभी तो मैंने ये जोड़ा ही नहीं कि इसमें से आपने हो सकता है कुछ आपने रिकरिंग कुछ आपने आपने मान लो कि रिकरिंग डिपॉजिट डाल रखा है, अभी आपने मान लो कि शेयर मार्केट में भी आपका इंटरेस्ट था, कोई मान लो ऐसा ही बंदा हो, मान लो कोई कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहां से कुछ पैसे बढ़ गए, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक मनी की बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 25 लाख विल बी देयर, ठीक है। सो प्राइमरली यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल्स, ये उम्र ही ऐसा है और इसमें आएगा भी, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, एक बड़े भाई के तौर पर सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप जो भी प्राप्त करेंगे अपने लाइफ में वही सबसे सर्वोच्च होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, आई विल रीड नेक्स्ट वन, मेरा एक नेक्स्ट कन्फेशन जो है इस बच्चे का है, नाम फिर से नहीं लूंगा बच्चे का मैं, सर आई मेड मिस्टेक, नहीं यही बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ रीडिंग करो, लाइक कन्फेशन ये भी समझ लो, बहुत सारे बच्चों के लिए कन्फेशन में लिख देता हूँ, एक रैंडम कन्फेशन, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं, इंग्लिश को लेकर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे अभी आप में से ही बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे जो मुझे ऐसा हो रहा होगा कि इंग्लिश, सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है बिकॉज मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया हूँ और मेरा इंग्लिश इज नॉट गुड, क्या करूँ, बोलते रहो, इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये है बच्चे का सवाल, ठीक है। एक इसका सॉल्यूशन ये है, रोते रहो, ये पहला सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन, स्टार्ट रीडिंग, कुछ भी, स्टार्ट रीडिंग, सेकंड सॉल्यूशन ये है। अब देख लीजिए वो क्या करना है, ग्रामर पढ़ना,
वो तो कॉम्पोनेंट्स हैं इंग्लिश के, कॉम्पोनेंट्स मतलब एक बिग क्लास करने आए हो, चारों कॉम्पोनेंट इकट्ठा कर लें, दिमाग कॉन्सेंट्रेशन नोटबुक पेन, वैसे ही इंग्लिश के लिए कॉम्पोनेंट्स है ग्रामर पढ़ना, वोकैब पढ़ना, लेकिन जो मेन हथियार है इंग्लिश के लिए वो है रीडिंग करना। तो अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हो सकता है, समाधान क्या है, रोते रहो, मैं स्टेट बोर्ड से पास, बोलते रहो IPS को, SBI को बोलो, SSC वालों को बोलो, किसी को भी बोलते रहो, मैं तो ऐसे था, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से, उनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है तुम्हारा इंग्लिश का ज्यादा भाई साहब। तो समाधान पहला, रोते रहो। सेकंड समाधान, स्टार्ट रेटिंग। मैं एक कन्फेशन अपने पूरे जर्नी से कर लूं, जो मैं जितने साल 9 साल से पढ़ा रहा हूं, ये इंग्लिश से डर बहुत सारे बच्चों को लगता है, या इंग्लिश से फियर हमेशा रहा है बच्चों को, मैं आप सबसे बोलूंगा, प्लीज स्टार्ट रीडिंग, कुछ भी पढ़ो पढ़ो, लेकिन 4 पेज का बना दो फिक्स। मैं ब्रेकफास्ट करूं ना करूं, मैं लंच करूं ना करूं, मैं पानी पीऊं ना पीऊं, मैं नहाने जाऊं ना जाऊं, मतलब कुछ भी जो बेसिक दिनचर्या है वो करूं ना करूं, लेकिन मैं 4 पेज अंग्रेजी डेली पढ़ूंगा, खत्म, इतना तो पढ़ूंगा भाई, 4 पेज अंग्रेजी का पढ़ूंगा मैं। किस चीज से? अपने लेवल के हिसाब से। आपको लगता है मेरी इंग्लिश बिल्कुल ही एकदम लुल्ल है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए 10th क्लास का इंग्लिश किताब पढ़िए, लिटरेचर वाली, जहाँ पे दो लोगों में कन्वर्सेशन दिखा रहा हूँ, पढ़िए, वहां से वक्त खर्च कीजिए, वही बता रहा हूँ, सबसे सर्वोत्तम चीज यही होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, प्लीज ट्रीट कीजिए उसको लैंग्वेज की तरह ही। पहले ग्रामर पढ़ना, वोकैब पढ़ना, ये सब कॉम्पोनेंट्स हैं, ये सपोर्ट करेंगे आपको पेपर में थोड़ा सा नंबर, या फिर एज ए सब्जेक्ट उसको सपोर्ट लेने में। लेकिन सब्जेक्ट से पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें तभी वो आसान हो पाएगा आपके लिए, जब उसमें आप क्या कर रहे होंगे, रीडिंग कर रहे होंगे, प्लीज। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड फॉर दैट स्टूडेंट जिसने पहला ही वर्ड गलत लिखा है, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको नाम नहीं लिया हूं, तो कोई टेंशन नहीं। सो यहां पे आई वाज मेड माय मेनी मिस्टेक्स, एक्चुअली आई मेड माय मिस्टेक, आई मेड मेनी मिस्टेक्स, ऐसे सही है, आई वाज लगाने की जरूरत नहीं है वहां, इसलिए मैंने यहां पे इंग्लिश लिखा था आपको बता दी। लाइक माय मैथ्स एंड इंग्लिश वाज वीक बट आई डिड नॉट वर्क ऑन इट, आई डिड नॉट प्रैक्टिस एज मच एज नीडेड, and also I did not stick on one source, I was confused in many study options, but in this year I shall not do this type of mistakes. Thank you. बहुत ही अच्छा confession है ये वाला भी, ये भी बहुत मैं क्लियरली बताता हूँ, सही बताऊँ तो मैं जो बोलता रहता हूँ ना हमेशा कि प्लीज चूज योर टीचर, चूज योर टीचर, ये तो मत ही सोचना कि इस वर्ड के पीछे मत भागना जल्दी, फ्री, इस वर्ड के पीछे मत भागना, फ्री में कुछ आपको अल्टीमेट गोल तक पहुंचा दिया जाए। आप खुद सोचो, समझदार हो आप, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, जैसे कई लोग वादा कर देते हैं यूट्यूब पे आके, और मेरा वादा ये कहना उचित है बिकॉज मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लेकिन खुल के बोलता हूँ मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा पाता हूँ ढंग से, क्लियर, मैं फ्रंट बोल रहा हूँ, कम से कम मैं उन लोगों से तो सही हूं ना जो आके वादा करते हैं, बच्चे को फंसाते हैं कि भैया मैं तुम्हें सब करा दूंगा यूट्यूब पर, प्रीलिम्स, मेंस, फलाना ढिकाना, मेंस का परदादा दादा सब करा दूंगा तुम्हें, और फिर गायब हो जाते हैं एक्स वाई जेड रीजंस, बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं। उससे बेहतरीन चीज ये है मैं खुद ही बोल दूं भाई पहले से ही, देयर इज नथिंग लाइक फ्री, क्या आपने 10th फ्री में किया क्या, नहीं ना, 12th फ्री में किया क्या, नहीं ना, ग्रेजुएशन फ्री में हुआ क्या, नहीं ना, आपको किताबों की आवश्यकता कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेंगी, जब तक जो भी कोई स्टडी कर रहा होगा आपके से, और भी फ्रेंड 50 में आएंगे, उनको भी किताब चाहिए होगा, उनको भी क्लास चाहिए होंगे, सपोर्ट चाहिए होंगे, बात समझ में आ रही है। तो इस ट्रैप से बचें, फ्री इज एक्चुअली ट्रैप, और उल्टे पुल्टे सजेशंस की 3 महीने में ऐसे कर लो, प्लीज, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। यू विल हैव टू इन्वेस्ट अ बिट अमाउंट आज के जमाने में। एक बार जरूर बोलूंगा मैं कि जब से ये दुनिया जो है ना ऑनलाइन हुई है, तब से पढ़ाई बहुत सस्ती हो गई है, बहुत सस्ती हो गई है। अब दुनिया उसमें भी क्या कर रही है, बच्चों को कैसे ट्रैप मिलाती है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे पास आए, इसलिए लोग फ्री फ्री में कुछ बोलते हैं मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ा सकते वो भी, क्योंकि आप जाके देखिए नहीं पढ़ा पाए लोग, फैक्ट है, क्योंकि अगर फ्री में पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे। और मैं इतना भी बोलता हूँ, जो लोग भी यूट्यूब पे आके बोलते हैं फ्री में पढ़ाऊंगा, अगर वो फैकल्टी इन्फ्लुएंसर कोई भी हो XYZ, अगर उसके बाद वो इंसान किसी एप्लीकेशन पे है, तो समझना तुम्हारे लिए ट्रैप है। तो आप कैसे पहचानो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, गलत है, तो देख लेना, इंसान अगर बोलता है मैं यूट्यूब पे सब पढ़ा दूंगा, और फिर वो किसी एप्लीकेशन पे भी है, तो आप समझ लेना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई साहब, मुझे यहाँ से पता है रेड फ्लैग आज चल रहा है, तो रेड फ्लैग है, वहाँ से निकल लेना प्लीज। मतलब समझना ही मत कि वो आपको ईमानदारी से पढ़ा सकता है, चाहे वो टीचर हो, कोई भी XYZ इंसान खड़ा जो आपके सामने बोल रहा हो, ऐसे चेक करना उस नाम का इंसान किसी एप्लीकेशन पे है क्या, फलाना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन पे है क्या, और है और ऐसा बोल रहा है, फिर वो गलत बात है, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो इस फ्री के ट्रैप में मत फंसिएगा, हम लोग भी फ्री लेके आते हैं कभी कभी, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, न्यू ईयर है कल, तो
तो कल मैंने प्लान किया है कि हाँ भाई न्यू ईयर है तो एक टीचर क्या दे सकता है आपको, तो मैं कुछ क्वेश्चंस का सेट लेके आने वाला हूँ, फ्री मिलेगा वो आपको कल। फैक्ट है, कहाँ मिलेगा? तो चैंपियंस रीडिंग यूट्यूब चैनल पे मैंने कल रखा है, लेकिन वो फ्री है, मैं खुद बता रहा हूँ कि हाँ वो फ्री है। ये पूरे साल में हमेशा दे सकता हूँ क्या? नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मेरे को भी इस तरह के चीजों को लाने के लिए चार लोग लगते हैं, और उनको मैं कहाँ से पैसा दूंगा? यूट्यूब थोड़ी इतने पैसा देती है, यूट्यूब नहीं देती पैसा। भाई फैक्ट बात है, जो फैक्ट है उस पर बात करते हैं, जमीनी बात, कोई मजाक की बात नहीं। ठीक है, एक बच्चा लिखा है कमेंट बॉक्स में, सर एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है स्पैम करने में। हाँ देखो मेहनत कहाँ जा रहा है उस बच्चे, इसमें वो स्टूडेंट भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। स्टूडेंट अगर सच में कोई स्टूडेंट होगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो, उसे ही पता है कि संजीदा बातें हो रही हैं, कितनी बेहतरीन बातें हो रही हैं यहाँ, कितना फायदा है स्टूडेंट का इसमें। उस बच्चे का क्या था, आई वॉज आई आई मेड मिस्टेक इन मैथ्स इन इंग्लिश। मैं एक छोटा सजेशन दूंगा, वैसे मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक सजेशन दे देता हूँ यहाँ पे मैथ्स के लिए, और ये सजेशन मैं कई बार दिया भी हूँ, मैं फिर से देता हूँ ये सजेशन। प्लीज मैथ्स को ना, मैं अभी कुछ पहले एक बात इस बात पर चर्चा शुरू किया था, लेकिन मैं फिर कहीं और बात करने लगा। मैं आपको बता दूं, मैं मैथ्स के लिए खास तौर पे, बिकॉज मैथ्स बहुत बड़ा हर्डल बनता है और इंग्लिश भी बनता है, तो मैथ्स के लिए मेरा सजेशन होगा आप सभी के लिए, प्लीज इसमें तीन सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है आपका स्पीड मैथ्स, और मैं जो बोला था ना कि आपके पास आज के ऑनलाइन जमाने में बड़ा अच्छा चीज है कि आप किसी भी क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑफलाइन के जमाने में क्या है, जब भी अभी भी ऑफलाइन जो चलता है उसमें क्या है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट उसको कैरी कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई स्टूडेंट कैरी नहीं कर पा रहा है उस चीज को, साथ में नहीं दौड़ पाया, तो फिर नुकसान है उसका, बिकॉज क्लास खत्म, बात खत्म। ऑनलाइन की सबसे बड़ी पॉजिटिव आउटकम क्या है, या फिर इसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है, कि जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहती है, इसलिए हड़बड़ाइए मत प्लीज। स्थिरता ही सबसे बड़ा चीज है आपके लिए, मतलब स्थिरता इन सॉरी गलत वर्ड, स्थिरता नहीं, स्लो हो, स्लोली चलिए, बेहतर चीज है। स्पीड मैथ्स है, अर्थमेटिक है, एनडीआई मैथ्स में। आप में से बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्या गलती कर दी, स्पीड मैथ्स पूरा हुआ नहीं और आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच गए, ये भी अर्धा कच्चा पक्का हुआ, यहाँ पहुंच गए, जब यहाँ पे ही गड़बड़ है, जहाँ आपने कैलकुलेशन भी सीखा, इसमें फायदा क्या है स्पीड मैथ्स का सीखने का? स्पीड मैथ्स से आप डायरेक्टली कैलकुलेशन भी बच्चे मजबूत सीख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट यहाँ और यहाँ पड़ेगा आपको, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और साथ में यहाँ से हमारे पास तमाम एग्जाम्स में यहाँ से भी सवाल डायरेक्ट आते हैं, तो इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या निकल गया, यहाँ डायरेक्ट सवाल प्लस का इम्पैक्ट इन दोनों जगहों पे। अर्थमेटिक का पता आधा कच्चा पक्का छोड़ के आगे बढ़ोगे तो डीआई घर में होगा, तो प्लीज खत्म करते हुए आगे बढ़िए, ये इस साल का सबसे बड़ा आपका रिजोल्यूशन होना चाहिए, कुछ भी शुरू करेंगे खत्म करके आगे बढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना? तो आराम से चलिए, खत्म करते हुए आगे बढ़िए, आउटकम्स देखिए, उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं अगर आपके सामने आके 10-10 मोटिवेशन वीडियो अगर महीने में करते जाऊं, तो भी मैं आपको शायद आज किया तो शायद 2 दिन मोटिवेटेड रहेंगे आप, 3 दिन के बाद फिर से 5-6 दिन किया उसके बाद शायद 2 दिन रह लेंगे आप, तो 4 दिन का जो गैप है उसमें बर्बाद हो जाएंगे आप। तो मेरे मोटिवेशन से मैं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, यू नो मोटिवेशन आपको फिर भी वो ईंधन का काम करती है बच्चों के लिए, वो मैं करता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे बैठना गलत। मैं भी तो आपके भरोसे बैठा हुआ कि आप सिलेक्शन देंगे हमें, तभी तो हमारे जीवन चले। आप सिलेक्शन देंगे नहीं तो मैं कौन जानता है फिर, बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो जो जिन बच्चों को मैथ्स से समस्या है, मैं आपको बता दूं पहले, प्लीज स्पीड मैथ्स को पहले वक्त दीजिए, प्रोमिनेंट हो जाइए इसमें, हो सकता है जिस बैच में आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन उस स्पीड मीन्स जब उसमें स्पीड मैथ्स खत्म हो चुका है तो आपका खत्म नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डू नॉट गो फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थमेटिक, एकदम जम मत कीजिए, उससे आप विफल नहीं होने वाले हैं। हाँ लेकिन रुकिएगा मत, अपनी तैयारी आप फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करते रहिए, जब आपका लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप इसके साथ दौड़ पाए, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो अपने आप को एक कमजोर विद्यार्थी या फिर एक विफल इंसान का थप्पा मत दे देना प्लीज। आप स्लो हो सकते हैं लेकिन आप मतलब फेलियर स्टूडेंट नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। तो स्पीड मैथ्स अगर नहीं हुआ तो रुक जाइए, आप कंप्लीट कीजिए, बिकॉज जो फैकल्टी यहाँ जब जंप कर चुके हैं, जो भी टीचर पढ़ रहे हो आप, हो सकता है कि आप वहाँ नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन वो फैकल्टी तो लाइव पढ़ाया है, मतलब बच्चे को लाइव फील करके आया है, तो आपको जब इसमें रिकॉर्डिंग देखेंगे इसका तो भी आपको लाइव वाली फीलिंग आएगी। जब यहाँ पे वो पहले जंप करके आप यहाँ पहुंचे हैं तो हो सकता है कि आप अभी इसमें मजबूत हो रहे हो, तो आप यहाँ पे जंप कीजिए, कंसिस्टेंटली चलिए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कन्फेशन। और इंग्लिश के लिए भी वही बात है, सबसे रीडिंग कीजिए, बिकॉज आपको कंपोनेंट जो है, बाकी कंपोनेंट जो है ग्रामर और वोकैब के कंपोनेंट ही रहे, ध्यान रखिएगा। डियर सर, आई एम ए बिगिनर स्टूडेंट फॉर बैंक प्रिपरेशन। एक बिगिनर की बात कर लेते हैं, एक बिगिनर बच्चा क्या सोचता है उसके थॉट्स की भी बातें पढ़ लेते हैं, मैं इस कन्फेशन को पहले नहीं पढ़ा था, अब डायरेक्टली आपके सामने पढ़ रहा हूं। डियर सर, आई एम ए बिगिनर स्टूडेंट फॉर बैंक प्रिपरेशन, सर हेल्प मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैंक की तैयारी कैसे करूं। सर बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के
मालपुर गांव से हूँ। ठीक है सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हिंदी मीडियम का बुक लूँ या फिर इंग्लिश मीडियम का बुक लूँ। सर लास्ट में यही कहूँगा कि मुझे बैंक की तैयारी के लिए सही मार्ग दिखाएं। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। थैंक यू सर, योर स्टूडेंट एक्स वाई जेड। मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। सो सबसे पहली बात, हिंदी मीडियम, मैं कुछ पहले ही से बात किया हूँ, ऐसे तो हिंदी मीडियम से हो या किसी भी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से, बंगाली मीडियम से, आप उस स्टेज से बाहर निकलिए। पहले तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ अगर, और बाकी जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हो सकता है कि आप रीजनिंग को सॉल्व करने में, चाहे बहुत बड़ा पैसा जाया करता है, तो हिंदी में आप कंफर्टेबल हूँ, अभी ज्यादा हूँ सिटिंग कल को सॉल्व करने में, या मैथ्स की अर्थमेटिक वाले प्रॉब्लम को पढ़ने में हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल। लेकिन ये मत भूलिए कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, उसको भी सीखना पड़ेगा, सिर्फ तैयारी में नहीं, आगे जॉब में भी काम पड़ेगा। कम्युनिकेशन का जरिया है ना वो, तो आपको आगे भी करना है, तो उससे बच के नहीं भागना है। आप हो सकता है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप इंग्लिश की हिंदी लैंग्वेज बुक मंगवा लें, कोई इशू नहीं है, अगर आप उससे ज्यादा कंफर्टेबल है, पहले आपको वहां से मजबूती मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ में आप इंग्लिश को सीखने के लिए, जो मैंने कहा ना कि स्टार्ट रीडिंग, अपने लेवल के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। देयर इज नो शॉर्टकट कि आप ऐसे ऐसे करके, बिकॉज आप सिर्फ हिंदी में पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए अपने अपॉर्चुनिटीज को आप कम कर देंगे। आपके लिए सिर्फ दो परीक्षाएं रहेंगी सर, आरबीपी और आरबी क्लर्क। या तो ऐसा है कि आप अगर सिर्फ इन दो प्रोमिनेंट, ये दो परीक्षाओं के लिए ही आपको लगता है कि मैं बाजी मार लूंगा यहाँ पे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने हैं तो अपने अपने लिए द्वार भी खोलने पड़ेंगे, अपने आप अपने लिए इस सब्जेक्ट इंग्लिश को भी आपको और बढ़ाना पड़ेगा। आगे जहां भी आप हैं उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट रीडिंग एंड देन आफ्टर आप उसमें ऐड कीजिए चीज, ठीक है ना। क्लियर है, आई होप आई वाज वेरी क्लियर इन द सॉल्यूशन। ठीक है क्लियर है। ये जो पटना वाले बच्चे थे, पटना डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे थे, ठीक है। नेक्स्ट कन्फेशन, I made many bad decisions in my life. I did good or bad to people. But my intention was never to hurt anyone. The whole year I have been frustrated, disappointed, unhappy and also worried about my career. At the same time, I would like to admit that the fact that I have learned things. I have been stronger than before and patient and kind as well. I cried, I laughed, I suffered from lot of things, still standing and will be standing stronger to defeat all the challenges of my life. Perfect. बहुत बढ़िया बात है। देखो आपको दिखता, मेरा ही लाइफ आपको दिखता है ना कि कितना, मतलब सब कुछ कितना बढ़िया होगा लाइफ में इसके, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया। डेली क्लास में आते हैं सर और क्या मस्त, ऐसे जो भी है अपना मस्त, छोड़ो पढ़ा के जाते हैं, अपने पढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, कंसिस्टेंटली दिखाई देते हैं। क्या हमारे सामने हर्डल्स नहीं आते होंगे? क्या कभी हम डाउन फील नहीं कर रहे होते होंगे? लेकिन हमें पता है कि, और ये सबके लाइफ के साथ है। एक और बात मैं यहाँ बोलूंगा इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ, डू नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एज अ स्पेशल पर्सन प्लीज। ये जो है ना, ये स्पेशल, मैं स्पेशल, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, ये जो चीज है ना, ये बहुत सारे बच्चों को बर्बाद कर रखा है। और ये बहुत सारे यूथ के साथ ये चीज है, वो हमेशा अपने आप को स्पेशल ट्रीट कर रहे होते हैं कि मैं ही स्पेशल हूं, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। बस बीमारी प्लीज। सो डू नॉट स्टक हियर इन लाइफ। सबके साथ अप एंड डाउन आएंगे, सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं कि हाँ यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कभी सब लोग अनहैप्पी होते हैं, कभी सब लोग खुश होते हैं, ऊपर नीचे चल रहा होता है। बहुत अच्छा कन्फेशन था ये वाला, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। एंड उन्होंने जो लिखा है ना कि स्टिल स्टैंडिंग एंड विल बी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर to defeat all the challenges of my life, fact है। जब एक बार आप किसी मुकाम में पहुंच जाते हैं तो अपने आप मल्टीपल, मतलब अगर मान लो 10 परेशानियां थी, उसमें से 9 तो कम से कम खत्म हो जाएंगी अगर आप कहीं पहुंच जाते हो। जो पेरेंट्स शायद आपको ताने मार रहे होते हैं, वो पेरेंट्स अचानक से आप देखेंगे गजब गियर चेंज कर लिया उन्होंने, रिवर्स गियर में जाने वाले पेरेंट्स आपको टॉप गियर में आपको ट्रीट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो जो खुशियां एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वहां पे आप शायद विफल हैं। इसलिए नहीं कि मेहनत नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि आप नहीं कुछ कर पा रहे, बिकॉज उनको दिख भी रहा होता है ना कि कर नहीं रहा है। अगर आप शिद्दत से लग जाओ ना, सिर्फ टाइम का उनको दिखाने के लिए मत पढ़ो कभी भी पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स साथ में रह रहे हो तो। लेकिन आप अपने ऑर्गेनिकली अपना काम करो, ऑर्गेनिकली अपना काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो,
वो खुद ही दिख जाए कि अब ये तो कर ही लेगा भाई, उनका आशीर्वाद भी इतना चारगुना लग रहा होगा आपके जीवन में, गजब लग रहेगा लगेगा। फिर आप बस ब्राइंडली काम करो, अपने ऊपर ब्लाइंड भरोसा करो, आप किसी ऊपर करो ना करो अपने ऊपर भरोसा करो, मेहनत करो और ब्लाइंड ट्रस्ट करो अपने आप पर। मतलब मैं खुद की जर्नी के हिसाब से बता रहा हूँ ये बातें, मुझे बहुत ज्यादा प्रेज सुनना नहीं पसंद है, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं पसंद तो सबको होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत लोगों का ऐसा नेचर होता है कि वो स्पेशल वाली फीलिंग फिर से कि मुझे हर समय लोग प्रेज करते रहे कि हाँ यार अरे तुम तो गजब इंसान हो यार, तुम तो गजब टीचर हो, या फिर तुम तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, या तुम तो बड़े इंसान हो अच्छे। प्लीज नॉट बी इन दैट ट्रैप इन एनी वेयर इन योर लाइफ, कभी भी अपने जीवन में ऐसा मत सोचिएगा, बस आप ना अपने ऊपर काम कीजिए। और ये हो ही नहीं सकता कि अगर कोई सच में काम कर रहा हो तो उसको आउटकम ना नजर आए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं इससे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, उससे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, बहुत एक से एक मठाधीश टाइप के लोग होते थे ऑर्गेनाइजेशन में, टीचर्स की बात करते हैं, बहुत बहुत ही मतलब चौड़े में घूम रहे होते हैं, मतलब आप भी अपने दोस्तों में देखते हो बहुत मतलब चौड़े में है कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंट अपने आपको ऐसा कर दे रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ा इंसान हो ये। तो ऐसा होगा आपके साथ भी लाइफ में, होता होगा, देखते होंगे आप लोग भी। तो मेरा कहना यह है कि प्लीज बी ऑर्गेनिक, अपने ऊपर काम कीजिए, वो जब बोलेगा ना तो फिर कोई नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पूछता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, आप हो सकता है कि आपने 23 में टारगेट किया था कि कुछ हो जाता आपने, लेकिन अपने ऊपर काम किया है, थोड़े स्लो रहे आप, हो सकता है 23 में ना हो पाया हो। और एक और बच्चा है जो 23 में और भी टारगेट, वो भी उसने भी टारगेट किया है, दो अलग है, एक्स वाई, आप एक्स हो एक बंदा वाई है, आपने पोटेंशियली आप चलते हुए चल रहे हो, होता है एक्स में एक्स बंदा जो है वो 23 में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा बंदा वाई जो है वो भी चल रहा है 23 में, लेकिन वो उछल कूद करके पढ़ाई कर रहा है और वो भी 23 में कुछ नहीं कर पाया, हो सकता है ऐसा। लेकिन मसला क्या है ना कि वो जो बंदा है वाई वो 24 में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन चूंकि आपके पास पोटेंशियल है तो 23 में तो आप नहीं कर पाए, लेकिन 24 में पक्के झंडे गाड़ देंगे और उसी पे से चल गए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस थिंग, मतलब ये सबसे बड़ा चीज है पोटेंशियल का, अपने ऊपर काम कीजिए। प्लीज डू नॉट गेट बी इन द ट्रैप ऑफ शॉर्टकट, जल्दबाजी एकदम नहीं जिताएगी आप, कभी जीत नहीं हासिल कराएगी, ठीक है ना। प्लीज और एक मैं ले लेता हूँ, एक और बड़ा अच्छा सा टर्म है, मैं इसको ले लेता हूँ, चैंपियंस लीग मैराथन लगी हुई है। हाँ, अगर मुझे मेरी टीम सुन रही है तो प्लीज उस मैराथन को बस आगे कर लेंगे, बिकॉज दिस सेशन इज आल्सो वेरी मच क्रूशियल। सो आई विल आस्क माय टीम, अगर मुझे सुन रही है कोई तो प्लीज इस उस सेशन को, जो चैंपियंस लीग का सेशन लगा हुआ मैराथन, प्लीज उसको आप 6:30 कर दें एटलीस्ट। हाँ, मैंने लगा हुआ है 6:09, मुझे याद है, ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ, मैं करा देता हूँ, बिकॉज ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छे अच्छे जैसे एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा मिला एक बच्चे का, ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस टुवर्ड्स एग्जाम इन 2023, एक सुनहरा साल खराब हल्की सी लापरवाही से। इतना ही लिखा बच्चे ने, इतना ही कन्फेशन है। मेरा क्लास लगा हुआ होगा, सूरज है ना वहाँ लड़का, एक बताइएगा, मेरा क्लास लगा हुआ है चैंपियन रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे, उसको 6:30 कर देगा, ठीक है। हाँ, 6:30 करना, ठीक है। सुन रहे हैं बात को, कितना सटीक बात लिखा बच्चे ने, ओवर कॉन्फिडेंस एंड केयरलेसनेस टुवर्ड्स एग्जामिनेशन इन 2023, एक सुनहरा साल खराब हल्की से लापरवाही से। क्या चाहिए और? अब इसमें पता है इस वाले को क्यों पिक किया मैंने, इस जो कन्फेशन क्यों पिक किया मैंने, एक टर्म था वहां पे मुझे दिखाई दिया, डायरेक्टली हिट किया मुझे, वो था ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने बहुत तरह की चर्चाएं करी, बहुत सारे कन्फेशन लिए, उसमें बहुत सारे बच्चों का वो हो गया होगा, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चों का सॉल्यूशन मिल गया होगा उसमें। लेकिन मुझे लगता है ये जो पॉइंट था, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बातें जो लिखा हूँ ना मिटा दूँ, मैं बार बार समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, मैं मिटा ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं नहीं मिटा पा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, एक और चीज़ लाइफ में जो बर्बाद करती बच्चों को, ये ओवर कॉन्फिडेंस। और इसका मैं सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा अपने 2015 का एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन, 2015 वर्ष था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था, एक स्टूडेंट था वो CBSE बोर्ड से था, मतलब ऐसे क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास में बहुत सारी वैरायटी स्टूडेंट होती है, कोई स्टेट बोर्ड से है, कोई CBSE बोर्ड से है, कोई ICSE बोर्ड से है। तो उसमें से एक बच्चा था जो मैथ्स और रीजनिंग में मेहनत कर रहा होता था, और उसके अच्छे नंबर भी आते थे, नो डाउट इन दिस, लेकिन इंग्लिश को लेकर वो था, अरे सर मैं तो सर CBSE कर लूंगा सर, मैं ओवर कॉन्फिडेंस का जो है वो मिसाल, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको,
ऐसे इंग्लिश हमारे बता नहीं, बच्चे बात समझो, आप किसी भी आईसीएसई से हो, आप सीबीएसई से हो, हार्वर्ड से हो, आप स्टेट बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, डू नॉट टेक दैट लाइटली, बिकॉज यू विल हैव टू परफॉर्म इन अ टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो ऐसे मत कर दीजिए प्लीज। तो उस बच्चे का जब रिजल्ट आया उसके मैथ्स और रीजनिंग में टॉप क्लास मार्क्स, मतलब फुल से थोड़ा थोड़ा पीछे, बस दोनों में 30+, 15 में ही आई थिंक, 14 15 में ही आई थिंक मुझे लगता है कि मार्क्स, वो टाइम वाला भी डिवीजन हुआ था, याद कीजिए जो बच्चे जानते होंगे। तो उस बच्चे का फेल, बच्चा फेल, सेक्शन कहाँ फंसा उस बच्चे का, सोचिए सेक्शन कहाँ फंसा इंग्लिश में, क्यों क्यों भाई, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। डू नॉट टेक एनीथिंग लाइटली, आप अगर सीबीएसई से हो, आप चाहे मैथ्स में बहुत टॉप रहे हो, आपके कैलकुलस बहुत तगड़ी थी, फिर भी मैं हर तरफ से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कि इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स में भी आप एज ए स्टूडेंट बहुत टॉप क्लास स्टूडेंट थे पहले, इसीलिए तो यहाँ बोला गया है कि सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए मेरे को, बिकॉज सबसे एक लाइन में बोला करता हूँ क्लास में, याद होगा आपसे, मैं बोला करता था कि भाई हमेशा ध्यान रखना कि कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज द इनिशिएशन ऑफ प्रिपरेशन, इस लाइन को लिख लीजिए प्लीज, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, है ना, सिलेबस आप कंप्लीट करते हैं तो असली में दौड़ने के लिए आप तैयार होंगे, चलना सीख चुके होंगे आप, तब तो आप दौड़ने की तैयारी करेंगे ना, तो चलना आता ही नहीं, दौड़ने की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप, तो आप सिलेबस को, मतलब एग्जाम को लगता है सिलेबस पूरा, मतलब हो गया मेरा काम, तैयारी हो गया, ये गलत निर्णय है। तो आप जब सिलेबस पूरा कर चुके होंगे तो आप अब तैयार हैं कि आप रेस के लिए लड़ाई अब करेंगे, बिकॉज आपका जो युद्ध है उसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि वहां पे आपका टाइम गेम खेल है, तो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एनीवेज, मतलब किसी तरीके से, ठीक है, कभी भी मत गड़बड़ कीजिए कि आप बहुत तोप रहे हो पहले, सबके लिए समान चीजें हैं। एक और कन्फ्यूशन मैं रैंडम लेता हूँ, तो मैं बच्चों के मैसेज मिलता है, अलग से मेल आते हैं, अलग से मैसेज आते हैं, उसके हिसाब से मुझे दिखता है कई बार बच्चे बोल रहे होते हैं सर मेरा ना फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा तो नहीं होगा ना, मतलब ये बहुत सारे बच्चों की तरफ से आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना सर, मतलब खुद ही से खुद को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट, मैं बच्चे का कन्फ्यूशन लिख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की तरफ से आता है सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा तो नहीं ही होगा ना, खुद ही साबित कर, मैं तो बकलोल हूं ना सर, मैं तो बकलोल हूं सर, क्या बात है, मैं तो नहीं होगा ना सर, क्योंकि हमारे रिलेटिव, हमारे बड़े भैया, हमारे जोधा चाचा के जो बेटे हैं बिरजू, बता रहे हैं क्यों 3 साल तैयारी की उनका नहीं हुआ, तो बोल रहे थे कि तुम्हारा पहली बार तो नहीं हो पाएगा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपका जहाँ पे आपका जब आपने सबमिट करोगे अपना आंसर शीट एग्जाम में, तो वहाँ ब्लिंक हो रहा होगा, अलग चमक रहा होगा कि भाई ये जो घनश्याम है ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला से फिल करो, तो ऐसा होगा क्या, या सर आपका जो आंसर शीट होगा वो आपका कंप्यूटर को पता ही नहीं है कौन है ये बंदा, वो तो आंसर चेक कर रहा होगा भाई साहब, उसको क्या पता कि कौन कौन है। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है, डाउट होता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं तो नहीं होगा ना, फलाना फलाना ऐसा बोला है। प्लीज अगर आप इस बेसिक रूल को अगर याद रखें, जनवरी से जून का महीना प्रिपरेशन है, मतलब किसी भी समय, मतलब ये जनवरी से महीना जून लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, आप जब से शुरू कर रहे हो ना, तो प्लीज अपॉर्चुनिटीज को नजदीक देख के अपनी प्रिपरेशन जर्नी का पेस मत बढ़ा दीजिएगा, या फिर उसमें कुछ मिलावट मत कीजिए, एडल्ट्रेशन मत कर दीजिएगा। वैसे मान लो कि भाई आपने बनाया है 4 आदमी का दाल खाने के लिए, मान लो हमने कहा आप छोड़िए हम बना रहे हैं, ऐसे किचन का बहुत खतरनाक, मतलब हम नहीं कर पाते, फिर भी मान लो मुझे बोला गया कि यार कोई आ रहा है तुम ही बना लो, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 4 आदमी का दाल बनाया, पहुंच के 6 आदमी, तो दाल में हम क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे क्या, क्या मतलब है यार, तू एडल्ट्रेशन नहीं चाहिए आपको, अगर चाहिए तो भैया कीजिए पहले से एक्स्ट्रा बना, कुछ भी कीजिए आप, एडल्ट्रेशन विल किल एवरीथिंग। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इनिशियली 5-6 महीने का वक्त जो हो, बच्चा शिद्दत से सिलेबस, ये रहा मैथ्स, ये रहा इंग्लिश, ये रहा रीजनिंग, उसको छोड़े, ये रहा बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले पूरा बैंकिंग अवेयरनेस खत्म, चार्ट जाओ पूरा, कलम चलाओ, नोट्स बनाओ खुद का, लोग वादा कर लेंगे तुमसे कह रहे नोट्स नहीं बनाना, मैं तुम्हें सब एकदम ऐसे याद, दिमाग का ढक्कन खोला सब डाल दिया, नहीं प्लीज आप याद कर लेंगे, सब अच्छा है, याद करा देंगे, सब ठीक है, अपने नोट्स करंट अफेयर्स के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए खुद बनाइए, कलम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मतलब कोशिश कीजिएगा कि अपने जो भी इनिशियल टाइम हो उसको बेहतरीन बिताएं आप, उसके आउटकम निकालें, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। सो और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे प्लीज आप कोशिश करें कि ऐसा कुछ गलती ना करते कि
कि आपको लोगों ने कह दिया तो नहीं, कंप्यूटर को नहीं पता आप कौन है। एक अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। जो भी लोग 2024 प्लान कर रहे हैं कि मुझे बेहतरीन बनाना है अपने लाइफ को, आपसे क्या मांगा गया, आपके पेरेंट्स आपके लिए 22 साल 24 साल आप पे अलग अलग तरीके से आप पे इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कहीं आप कर्तव्य जो भी कह लीजिए आप पे, तो जो भी है मतलब कुछ एक समय आप है। अब इस वक्त में आप जहाँ पे हैं, पेरेंट्स के साये में हैं, पेरेंट्स के अंडर में आप जी रहे लाइफ, उसको मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, आखिरी छत है। ग्रेजुएशन का जो दौर होता है, ग्रेजुएशन हो चुका होता है और या ग्रेजुएशन में चल रहे होते हैं आप, और उसके बाद ऑटोमेटिकली पेरेंट्स का ना आपसे उम्मीद आता है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त जब उस एज पे आप पहुंचे, किनारे पहुंचे हुए आप हैं, आपके लिए वो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है ना, वो आखिरी छत डिसाइड कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आखिरी छत है, इसके इससे बाहर निकलेंगे तो बारिश धूप सब मुझे झेलना पड़ेगा, उस काबिल बनना पड़ेगा कि छतरी खरीद सके और हम रेनकोट पहन सकें बारिश। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी ये चीज है। इस उम्र के बाद आप कन्वर्जन आप दे सकें अपने तरफ से, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है। कोई भी एक सिंपल सा स्टूडेंट, बहुत पहले तुम कितने तोप थे या कैसे भी थे कुछ नहीं मैं मानूंगा, इन एग्जामिनेशंस का क्रैक करने का एक सिंपल तरीका है, ना ही अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझे और ना ही अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस में लिख जाए। अपने आप को एवरेज स्टूडेंट ट्रीट करें। एक सिलेबस है, उसको पहले कुछ महीने खर्च करके उसको कंप्लीट करें प्रॉपरली, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन लाइफ जीते हुए, और उस ड्यूरेशन को आप अपने लाइफ का एक ट्रेनिंग पीरियड मान सकते हैं कि अब तक लाइफ में जो हुआ सो हुआ, मैं था दुनिया के लिए बकलोल इंसान, आज मैं शुरू करता हूं कि यार अब तो मैं भैया टुकड़ों टुकड़ों में काम करूंगा, लेकिन करता हुआ चलूंगा, आउटकम्स देखूंगा, फिर काम करूंगा, फिर काम करूंगा, फिर काम करूंगा। कुछ समय के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा और हो जाइएगा, कहीं कहीं आपको मना करना पड़ेगा कि नहीं नहीं जा सकता मैं घूमने, तो मना कर दीजिएगा। आपको लगता है कि मैं इस शादी में गया तो मेरा एक दिन जाना और एक दिन आना और तीन दिन और खर्च हो जाएगा या दो दिन और खर्च हो जाएगा, मुझे मेहंदी में भी ऐसे ऐसे करना है और मुझे फलाना रस्म में भी जाना है और फोटो में ऐसे कैमरा लेके ऐसे ऐसे करना है, तो अगर आपको लगता है कि वहाँ का मुझे उससे आपको फील हो गया, अगर कंसिस्टेंसी में ब्रेक हो रहा है, अगर एक दिन का काम है तो चलो ठीक है, फिर उससे लगता है कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रहा है तो मत जाइए भाई साहब। कोई आपके बिना शादी नहीं रुकने वाली है ना। किसी भोज में निमंत्रण आ गया और आपको उस दिन कुछ भयंकर टेस्ट देना था और कुछ भी आपने अच्छा कुछ प्लान कर रखा है और लगा कि नहीं यार इसमें जाएंगे यार तो फिर दो दिन का वक्त खर्च हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा झांसी और झांसी से फिर मुझे वहां बस पकड़ के जाना पड़ेगा उनके यहाँ भोज खाने और दिक्कत हो जाएगा उसमें, तो प्लीज मत जाइए। जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा तब जाके आउटकम निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2024 के लिए बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन है। इस तरह के कन्फेशंस मैंने बहुत तरह के कन्फेशंस पढ़े और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा इनपुट मिल भी गया होगा यहाँ से, बहुत तरह के बच्चों का, जॉब वाले बच्चे के लिए भी मिल गया इनपुट, जिनकी इंग्लिश खराब है उनके लिए मिल गया, और मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो रहे हैं तो कैसे करें, बाकी ओवरऑल प्रिपरेशन में कैसे करें, हेल्थ इशूज़ की वजह से तब समस्याएं होती हैं तो क्या करें, इस तमाम सवालों का मैंने जवाब दे दिया है आपको। कोशिश किया हूं कि आपको कुछ जवाब दूं। अब मैं आपको बताता हूं 2024 के लिए टारगेट करें, बस जो बातें बोल रहा हूं ना इसका ख्याल रखिएगा। अपने लाइफ का ना एक साल एकदम तपस्वी साल बिता दीजिए बस, मतलब तपस्वी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, अरे गजोधर हाँ नहीं मतलब एकदम क्लियर रहिए, मतलब किसी का सुन नहीं रहे हैं आप, ऐसा तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए हैं लाइफ को लेकर, एकदम सीरियस हो गए हैं, ऐसा कि किसी बात ही नहीं कर रहे हैं, एकदम सुबह अखबार का ऑर्डर दे दिए हैं कि दे दी हिंदू आना चाहिए तभी लोगों को लगेगा, मतलब तभी हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये सब नहीं करना है। नॉर्मल लाइट मोड पे, एकदम लाइट मोड पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कवर कीजिए सिलेबस को, दैट्स इट। हम अपने यहाँ जैसे बताएं, हम 24 में पढ़ा रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, मैं जब से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तब से ना ही किसी एक्स्ट्रा लालच, ना ही एक्स्ट्रा किसी चीज़ों के लिए मैं उछल कूद मचाया हूँ। आपको भी पता है मैं 5 साल से यहीं पढ़ा, जब मैं ऑनलाइन में पहला क्लास तो मैंने यहीं लिया था और आज तक यहीं हूँ। मुझे किसी तरह का कोई उछल कूद मुझे पसंद नहीं लाइफ में, क्योंकि एक लिमिट के बाद ना वो कुछ फ़ायदा नहीं करता, वो फ़ायदा करता है आपका धुआं, आपका प्यार जो आप बोल देते हैं ना कि सर आप बस बोल देते हैं, समझ में आता है कि हाँ ऐसे करना है, बस वही फिर बाद में काम आता है, और उसके लिए हम हमेशा स्टेबली आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कल एक सेशन भी लगा रखा मैंने चैंपियंस रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे, और उसमें जरूर जुड़िएगा आप, शाम 7 बजे कल मिलेंगे, और कुछ बेहतरीन गिफ्ट आपके लिए तैयार किया हूँ, मतलब इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी टीम लगभग नहीं तो 1 महीना काम की होगी, जो हम कल आपको आउटकम देंगे, 1 महीना टीम हमारी काम की होगी, 1 महीना मेरी अपनी टीम जो है वो 1 महीने काम की है तो आपको कल आउटकम देगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ, क्यों उसमें भी लिखा हुआ बात क्यों दे रहा हूँ मैं ये चीज़, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं पूरे साल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वो इतना कुछ है कि आपका बहुत दिन काम चलेगा,
है ये भी, कल बाकी अनाउंसमेंट कल करूंगा। ठीक है, तो आज 24 वाले बच्चे के लिए क्लियर है भाई, हम लोग इसमें एक बैच आया करता है चैंपियंस, चैंपियन नाम से बैच आएगा, चैंपियन। और ये पूरा प्री प्लस मेंस बैच है, ऐसा नहीं प्री, वो तो ना मेंस मेंस का ना हवा बना रखा है, मेंस 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 मेंस, प्लीज हवा मत बनिएगा कि अंडर 24 में मेंस नहीं पढ़ाता, क्या बात कर रहे हो यार। यहां खुले मंच पे आके बोल रहा हूं, जो भी लोग बोले हो ना ऐसा, जो भी लोग बोले, हाँ ये बोलो कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ या ना पढ़ाया हूँ, लेकिन आपके यूट्यूब से कंपेयर करें तो आपका जो किसी का भी, मैं किसी ये आरोप पड़ते आप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि अपना आंसर तो दूंगा ना भाई, कि मैंने मेहनत किया तो मैं बताऊंगा ना कम से कम हाँ मैंने किया है, तो मैं कैसे सुनूंगा किसी का। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जितने लोग बोल देते ना कि अड्डा नहीं पढ़ाता मेंस, अड्डा मत बोलो, ये बताओ कि सौरभ सिंह ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और ये हम कहेंगे पूरा अड्डा 24/7 पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इसी भी बनता हुआ खेल सकते हैं। पूरे साल में मेंस पढ़ाता हूँ, पूरे साल थ्रू आउट, 2023 से फरवरी में रिपीटर्स लेके आए, जुलाई अगस्त महीने में हम रैंकर्स लेके आए, और थ्रू आउट चलता रहा, अभी रैंकर्स शुरू होने वाला है वापस, एसबीआई क्लब फिल्म्स दे लीजिए बाकी बच्चे, एसबीआई क्लब फिल्म्स के तुरंत बाद आपको नजर आएगा, 11-12 के 5 दिन बाद समझिए स्टार्ट कर लेंगे रैंकर्स, सिंपल सी बात है। तो हम प्री प्लस मेंस पढ़ाते हैं और दावा करके पढ़ाते हैं भाई, जहां मेंस पढ़ाया जा सकता है शिद्दत से क्लासरूम को फिल करके वहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, वहीं पढ़ाएंगे हम इस चीज़ को, और बहुत पूरे साल पढ़ाते हैं, जितना कॉन्टेंट ये हम दावा कर सकते हैं, जितना कॉन्टेंट हमने प्रोवाइड किया मेंस के लिए, मुझे नहीं लगता है कोई कर पाया हो, क्योंकि इतना लंबा कोई पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं ना मेंस पढ़ाऊंगा, मैं मेंस पढ़ाऊंगा, उनके आप जाके देखेंगे तो मालूम चलेगा कि बड़े बड़े थंबनेल पे बड़ा बड़ा मेंस लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से ऐसे मेंस, मतलब एक थंबनेल है उसमें बड़ा सा मेंस लिखा हुआ है, एक क्लास आज हुई है तो दूसरी क्लास कब हुई है तो 10 दिन पहले हुई होगी, फिर एक क्लास कब हुई है तो फिर उसके 20 दिन पहले हुई होगी, उससे कोई तो सबसे खराब चीज है, एटलीस्ट फेक वादा तो मत कर लो, पढ़ाना फिर खुले पूरा प्लेट बना के दो भाई, पढ़ा लाइव दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मुझे तो मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, और बस बने रहिए, और जो अभी जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि सर मैथ्स के लिए कब आएगा इसके लिए, तो जो भी बैचेज आपके सामने फिलहाल नजर आ रही है ना उनसे पढ़ना शुरू कीजिए, और ऑफ कोर्स पर रियल में तो आइए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास सारे सब्जेक्ट प्री प्लस मेंस बैच आएंगे, मैथ्स शामिल होगा, ये बैच आएगा, बिल्कुल आएगा, जल्द ही आने वाला है, जनवरी के महीने फर्स्ट वीक में ही सेकंड वीक में आपको दिख जाएगा बैच स्टार्ट हो जाएगा क्लास। तो आप ये मत समझिए, आप जब भी जो चल रहा है रिदम तो पकड़िए कि भाई चलो हम अभी दो ही सब्जेक्ट लेके चलना पड़ रहा है, उसी के साथ रिदम बना लेते हैं पहले, अच्छी बात है सब एक साथ नहीं शुरू हो गया, वो लोड पड़ जाता कई बार ज्यादा, ठीक है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाकी बैंक महापैक रखिए अपने पास, पैसेज मत लिया कीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, महापैक लिया कीजिए, बीइंग अ टीचर बड़े भाई सस्ता पड़ता है आपको, एक तो ऑनलाइन पढ़ाई सस्ता है, उसमें भी अगर बैंक महापैक रखते हो तो सस्ता पड़ेगा आपको, बैंक महापैक प्लस अड्डा का महापैक जो भी लेना ले लीजिएगा, आई विल रिक्वेस्ट कि आपके पास अगर होना चाहिए, और समझिए तो बैंक महापैक है क्या, तो ये आपका अड्डा का लाइब्रेरी हो गया पूरा, ठीक है ना, ये बैंक महापैक होता है इसमें, लेकिन पढ़ाई कैसे कीजिएगा इसमें बहुत सारी वीडियोज है, बहुत कुछ है, आवश्यकता अनुसार कीजिएगा प्लीज, आपको 2800 से लेकर 3000 रुपए के आसपास में एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है इसमें आपको, ठीक है ना। मेरा रेफरल कोड है Y188, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डिस्काउंट के लिए और जो भी चीज मैंने बताया उसके आसपास के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आवश्यकता जो उसमें उछल कूद मत मचाइए, जो बच्चे का था ना कि मैंने बहुत सारा इधर किया थोड़ा वहां पढ़ा थोड़ा वहां पढ़ा, एक बच्चे का था ना कंफ्यूजन, वो मत कीजिएगा, आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच बाय, टेक केयर, शेयर योर ब्लेसिंग्स, और अगर किसी की कन्फेशन कुछ और भी हो, किसी को पूछना हो कुछ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, अगर मैं पढ़ूंगा तो किसी न किसी सेशन में, सात खास तौर पर 7 PM वाले सेशन में, मैं उसका जिक्र जरूर कर लूंगा और समाधान जरूर दूंगा उसका, पूछ करूंगा उसका करने, ठीक है। अब सर, अब आपका टर्न है कन्फेशन का। कन्फेशन मेरी तरफ से क्या होना चाहिए पता नहीं, मतलब कोशिश तो करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट करूँ, कन्फेशन टाइप से क्या बोलूँ, मैं लगातार बना ही रहता हूँ, कन्फेशन में कुछ ऐसा है क्या जो मैंने वादा किया और ना पूरा किया, मतलब कुछ ऐसा ही ना होगा ना जो कमिटमेंट किया नहीं कर पाया ऐसा, हाँ एक है मेरा कन्फेशन, मैं आज ही RBI सिस्टम का मेंस हुआ है, मेरा एक कन्फेशन है भाई 2023 के लिए, मैंने एक कमिटमेंट किया था जो मैं पूरा नहीं कर पाया, और वही मेरा कन्फेशन है। मैंने रिसेंटली अपना एक चैनल बनाया है अलग से, चैंपियंस रीजन के नाम से, और मैंने उस पर वादा किया था कि मैं उस पर मेंस का, जो भी एग्जाम के करीब जब आएंगे तो हम मेंस का कुछ कुछ क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम लेक्चर्स पे प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो मैंने SBI PU मेंस के लिए काफ़ी क्लासेस भी लिया, SBI क्लर्क के लिए भी क्लास दे रहा हूँ, मैंने RBI असिस्टेंट के लिए भी बोला था मैंने क्लास ले लूँगा मैं उस पर, लेकिन लिटरली थोड़ा ईयर एंड वाला टाइम था और बहुत ऑक्यूपेंसी थी, तो लिटरली मैं ये नहीं कर पाया, ये मेरा कन्फेशन है कि मैं लिटरली पूरे साल में अगर कहीं फेल हुआ हूँ तो मुझे बार बार लगा है, आप मेरा अगर डायरेक्ट प्लानिंग करता हूँ उसमें आपको कई बार प्लान चेंज, मतलब प्लान करते हुए नजर पेजेस दिखाई देंगे जहाँ दिखा हुआ इस डेट पे मैं क्लास लूंगा सुबह 9 से 11 इसमें, और 11 बजे मेरी चैंपियन बैच है, लिखा नजर आएगा आपको, लेकिन मैं सच में इसको हम ग्राउंड पे लेके नहीं आ पाए, दिस इज माय कन्फेशन।
लेकिन ऑलरेडी हमारे पास, हमने इतने वीडियोस कर चुका हूँ मैं, जैसे रिपीटर्स बैच में, रैंकर्स बैच में, इसके एग्जामिनेशन का जो पेपर आया है आज, उसके ऊपर का काफी कुछ डिस्कस हो रखा है, ठीक है ना? सो दैट्स ऑल, मतलब काफी लंबा सेशन हो गया हम लोग का, डिस्कशन काफी लंबा हो गया, अब 6:30 हो चुका है, मुझे मैराथन क्लास देना है, सो आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, ये 3 लाइन जो बोलता हूँ वो भी लॉजिकल ग्रामर से बोलता हूँ, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कीप ग्रोइंग, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ग्रो हो जाइए, यही बात है, हवा में नहीं बोलता हूँ, ठीक है, थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, कोई बात कहनी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे आप जरूर लिख दीजिएगा। SBI क्लर्क का रैंक फाइल नहीं दी सर, कन्फेस करिए। हाँ ठीक है, एक और कन्फेशन मेरे पास है, मैंने कहा था कि SBI क्लर्क का मैं अलग से रैंक फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अलग से SBI क्लर्क के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मैं इसके लिए अलग से आपको रैंक फाइल प्रोवाइड करूंगा, ये नहीं कर पाया था मैं, कुछ कुछ जगह पे मैं भी फेल हो जाता हूँ, लेकिन मैं अगर सही बताऊँ तो सच में ये दो ही चीजें होंगी जो मैं कमिटमेंट करके नहीं कर पाया हूँ, तो मैं इसके लिए बोलूंगा, हाँ मैंने SBI, लेकिन हाँ SBI क्लर्क का रैंक फाइल गया नहीं है ये नहीं बोल सकता कोई भी, टिल लास्ट डेट कल तक गया SBI क्लर्क का रैंक फाइल, लेकिन हाँ अलग से मैंने कहा था कि अलग से फिर से आपको रैंक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, वो नहीं कर पाया था मैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन प्रोवाइड हो रही थी रैंक फाइल, SBI क्लर्क की रैंक फाइल लगातार गई है, अलग से निकाल के SBI क्लर्क का रैंक फाइल फिर से नहीं लॉन्च कर पाया मैं, उसके लिए माफी, क्योंकि उसके लिए तकनीकी इशू था कुछ, मेरा उसमें मेरा खुद नहीं, मेरा कुछ भी मेरा प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे, अब हमारे भी जो सिस्टम है उसके अनुसार नहीं हो पाया, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।